सो है गाइस, आज हमारे पास है जामिल कंपनी का एसी, टावर एसी, और हम उसका आज पीसीबी चेंज करने वाले हैं। सो ये रहा हमारा पीसीबी, ये रहा हमारा एसी, और हम इसको पूरा कनेक्शन करके दिखाएंगे और इसको हम चालू करके दिखाएंगे। ये देख सकते हैं हमारा पीसीबी है, और इसको हम इसमें फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम चालू करके दिखाएंगे। तो हम इसको पूरा कनेक्शन और इसको चला के सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम पहले पीसीबी को इधर हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो अपने पीसीबी को पहले इस बॉक्स में लगा देते हैं, फिटिंग कर देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं पीसीबी को। पहले हम इसका पावर कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा पावर कनेक्शन का रहा न्यूट्रल और फेस रहा। तो हम इसको लाइन जो है हमारा फेस को लाइन में लगा देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यह लिखा हुआ है, इसको हम लाइन में लगा देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा यह न्यूट्रल का है वह, तो यान जहाँ लिखा है यहाँ पे हम न्यूट्रल इसको लगा देंगे। इसके बाद रहा हमारा ये अर्थिंग का, तो अर्थिंग वाला हम यहाँ पे अर्थ लिखा है, आप नज़दीक से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अर्थ है, और अर्थ में हम इसको लगाएंगे। उसके बाद ये रहा हमारा डीसी फैन है, और डीसी फैन मोटर का ये जैक है, और इसको हम लगाएंगे डीसी फैन में। और डीसी फैन का कनेक्शन हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे भी डीसी लिखा हुआ है, देख सकते हैं नज़दीक से लोग डीसी फैन, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे ये हमारा वर्टिकल स्विंग मोटर का ये जैक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल का है, डिस्प्ले का है, और हम इसको डिस्प्ले में के जैक में इंसर्ट करेंगे। ये हमारा रहा कॉइल सेंसर और एयर सेंसर का, दोनों का एक ही जैक है, तो हम इसको यहाँ पे पुश करेंगे, इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। और ये हमारा रहा जो आउटडोर में हमारा सप्लाई जा रहा है, जो कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करेगा वो उसका सप्लाई है ये, और इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारा जो पीसीबी का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें एक चीज और बचा है, ये हमारा है ट्रांसफार्मर है, इसका ट्रांसफार्मर है, तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैक है। तो पीसीबी का जो एक्चुअली में जो कनेक्शन करने का है वो फेस और न्यूट्रल मेन है, उसके बाद जो जैक जहां से मैच करता है वो लगा देना चाहिए, वो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा हो गया कनेक्शन, रेडी हो गया। तो अब हम ग्रिल की फिटिंग वगैरह को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एसी को ऑन करेंगे। सो फ्रेंड, हमारा ये पीसीबी का फिटिंग, ग्रिल फिटिंग कंप्लीट हो गया है, तो हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारा पावर बटन है, और ये हमारा पावर बटन है, अब यहाँ से हम ऑन करेंगे एसी को। ये हमारा एसी ऑन हो चुका है, और देख सकते हैं चलने लगा है हमारा सब कुछ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।